तो गाइज ये है पेटीएम HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड। मैंने अप्लाई करके दिखाया था तो फाइनली आज मुझे ये रिसीव हो चुका है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले एक कार्ड है और इतना सारा पेपर, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो गाइज कुछ इस तरह के इनवेलप में मुझे ये कार्ड रिसीव हुआ है। यहाँ पर पेटीएम HDFC लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा एड्रेस लिखा हुआ है जिस पे ये कार्ड डिलीवर हुआ। तो चलिए इसको फटाफट से मैंने ओपन कर रखा है तो इसको चलिए निकाल लेते हैं बाहर। इस पे देखिए कार्ड तो एक ही है मगर पेपर हमें बहुत सारा मिला है, तो चलिए देखते हैं कि करके इसमें क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये पेपर निकलता है जिसमें कार्ड मौजूद है। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिखाएंगे, अभी कार्ड के बारे में बताएंगे, कार्ड कैसे एक्टिवेट करना है वो भी हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है कि कैसे स्टार्ट करना है। एक क्विक स्टार्ट गाइड है यहाँ पे, आप इसको चाहें तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड को कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद ये एक पेपर है जिसमें बताया गया है कि आप HDFC बैंक के कार्ड को NFC सपोर्टेड या जो भी हो कैसे ऑनलाइन जो है इनेबल करना है, नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, मतलब यही सारा चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है पेपर जो बहुत ही एक नोटबुक की तरह मिला है जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ। आप देखें यहाँ पे बहुत बड़ा जो है, कितने लगभग मुझे मेरे ख्याल में 10 पेज का है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन HDFC बैंक यहाँ पे लिखी हुई है। पेटीएम HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं, आपको मिला है, तो इतना सारा टर्म एंड कंडीशन कौन पढ़ेगा भाई। सिंपल है यार, टर्म एंड कंडीशन यही है, आप कार्ड का यूज़ करिए, कार्ड का पेमेंट कीजिए, बस यही एक चीज़ है कार्ड में कि कार्ड का यूज़ करिए, कार्ड का पेमेंट कीजिए, बस आपको जो है कोई भी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें है कि देखिए यहाँ पे आप कितना यूज़ करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा, कितना वो सब तो देखिए यूज़र गाइड मैनुअल था कि आप कैसे एक्टिवेट करते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशंस है। ठीक है, ये मेन कार्ड का पेपर है जिसमें कार्ड आपका स्टिक किया हुआ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड हमारा स्टिक किया हुआ है। तो ये यहाँ पर कार्ड है और यहाँ पे लिखा हुआ है इजिली एक्टिवेट योर कार्ड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर आप QR कोड स्कैन करके जो है कर सकते हैं, कॉल करके कर सकते हैं, या फिर HDFC का माई कार्ड जो साइट है वहाँ पे जाके इस कार्ड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कार्ड नंबर डालिएगा, मैंने एक्टिवेट का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिला है तो एक्टिवेट कैसे करना है। तो देखिए इसमें अगर लिमिट की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीज़ है। यहाँ लोग बोल रहे थे कि पेटीएम HDFC बैंक वाले कार्ड का लिमिट ज़्यादा नहीं देता है, मगर यहाँ पर देखिए लाइव प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं कि 1 लाख लिमिट मुझे मिला हुआ है। तो फाइनली आप कार्ड को देख लेते हैं। तो ये रहा फाइनली कार्ड। कार्ड के फ्रंट में आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, खाली आपका नाम लिखा हुआ है। कार्ड के बैक साइड में अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेटीएम HDFC बैंक वीजा सिग्नेचर और यहाँ पर कार्ड नंबर आपका हो जाएगा। उसके बाद ये वैलिड कब तक है, CVV RNFC सपोर्टेड का सैंपल बना हुआ रहेगा। तो कार्ड ये है, पेटीएम का कार्ड देखिए है बहुत ही पतला रहता है, पता नहीं क्यों इतना पतला, इतना जबकि लिमिट अगर इतनी है या कार्ड इतना आप ऐड कर रहे हो, इतना ही कर रहे हो, तो थोड़ा कार्ड तो अच्छा देना चाहिए। तो कोई खास है नहीं, बस एक फूल बना हुआ आगे, पता नहीं क्या है इसका। तो ये कार्ड मुझे फाइनली जो है मिल चुका है, यही कार्ड है इसमें। और इसके बेनिफिट्स यही है कि पेटीएम में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसका जो है कैशबैक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उस पॉइंट को फिर आप यूज़ कर सकते हैं या तो मनी कन्वर्ट में, या फिर उसका यूज़ कर सकते हैं पेटीएम में किसी चीज़ में।